हेलो माय डियर स्टूडेंट्स पिला माने आज आम वीडियो माध्यम रे आमर ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन रो जो ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम रही तुम्हें जोटा कि ओएस ओआरएस सब एग्जाम दबो हले इटे तो तार नुआ एग्जाम पैटर्न कौन रही विषय में डिस्कस करवा तुम सब जानव रिसेंटली बर्तमान कि यूपीएससी पूरा यूपीएससी पैटर्न फॉलो कल है तो कौन रही एग्जाम प्रीलिम एग्जाम केते मार्क रहइबो किमि देबा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कौन रही मेन एग्जाम कौन रहइबो कौन तार क्वालिफाइंग केतरा क्वालिफाइंग पेपर रही कौटा पेपर काउंट हम है इंटरव्यू कौन हम कितने मार्क रही है डिस्ट्रीब्यूशन आज आम संपूर्ण भी बुझा चेस्टा करेंगे मन रख आउ समस्त आम नुआ चैनल को हाँ स्वागत कर तो जो मैंने सब्सक्राइब करना ये सब्सक्राइब कर दिए आगे सेयार करदेव सांगसाथी मान सहित तालोले तुम ये बढ़िया फ्री कंटेंट तुम यूपीएससी रिलेवेंट कंटेंट सब पाइब है मन रख तो देखा कौन रही है यार नुआ एग्जाम पैटर्न देख अलरेडी देखीच ए वर्ष जो मैंने पे अप्लाई कर आउ गोटे दिन हाथ रही तो आउ कहीं अबला अबला गोटे दिन नहीं आज ही लास्ट डेट तुम ना देखा गल तेना जो मैंने अप्लाई कर आज ही अप्लाई कर दियो कहीं तुम एवं जो बाहर था कि 319 पोस्ट तुम बाहर जो नोटिफिकेशन से तुम 17 जनवरी स्टार्ट होता आर एंड डेट आज ही था 16 फेब्रुआरी 2024 है तेना जो मैंने अप्लाई करना लेट कर आज अप्लाई कर दिए जाए मन रख तो आम जो पोस्ट रही है ये रही है जिनका ओएस ग्रेड एर 30 नंबर थी ओएफएस 54 ओपीएससी है ना तुम 6 था ओआरएस 90 ओएलएस 113 ओटीएस 68 और टोटल 399 पोस्ट रही है पोस्ट थी ये सब रही प्लस थ्री क्वालिफिकेशन मागिचे है देखने तेणु तुम मैंने जो मैंने अप्लाई करना एवं ही अप्लाई कर दिल चल तो बर्तमान देखिए एग्जाम पैटर्न कौन रहा है एवं आम जो एग्जाम देवा प्रीलिम को टाइप क्वेश्चन आसो है तो देखे कौन कौन आम पाइबा के मार्क मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आम देखा आज आम वीडियो माध्यम तो बर्तमान देख आम जो देखा डिटेल सिलेबस फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जाम रहा पेपर वन प्रीलिम एग्जाम तुम्हें दुईटा पेपर वन और पेपर टू रही बोथ पेपर तुम 200 मार्क लाख रही बोथ पेपर तुम 200 मार्क लाख रही तो पेपर वन तुम जो आसो ये तुम मेरीट काउंट हम ये तुम कट ऑफ आसो पेपर वन रहा पेपर वन जी पिला दरकार आमर जी मैं मन तुम पाखापी 390 प्लस पोस्ट है पाखापी 400 देख तार 12 गुणा पिला हम तो बार चु 48,800 पिला सिलेक्शन है तुम कौन मेन्स तो 12 टाइम सब लिए प्रिलिम रही मन रख तो प्रिलिम आम जो पेपर वन ये जो देखिले यहीटा ये तुम मेन तुम जो मेरीट काउंट हम आ पेपर टू टा तुम क्वाफाइंग ओनली तुम सीटे 33% मार्क रखिले तुम अलरेडी कौन हो तुम पास हो पाखापाखि 200 मार्क रु 67 मार्क रखीदे तुम सीटी होगा कहीं कौन तुम क्वाफाई कर तुम मेन्स एग्जाम है मन मेन हो पेपर वन जो तुम करेन्ट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंट्स है ये क्वेश्चन आस हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री ऑफ ओडिशा ओडिशा नेशनलिज्म ओडिशा एंड इंडिया ज्योग्राफी फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड मैंने सब गुड़ा रही वर्ल्ड ज्योग्राफी ओडिशा ज्योग्राफी इंडिया ज्योग्राफी स्पेसिफिकल तुम इंडिया ओडिशा ज्योग्राफी अधिक एम्फासीस देवा पड़ो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जिन तुम कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम पंचायतराज ये भी तो तुम क्वेश्चन आसो देन पब्लिक पॉलिसी राइट्स इश्यू है कौन कौन सब राइट्स रही राइट्स इश्यू से विषय आसो क्वेश्चन देन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जिन तुम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रत्येक वर्ष तो यूर गोटे क्वेश्चन गोटे दुटा तीन टा क्वेश्चन आसाला मन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो तुम 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रही रिलेटेड क्वेश्चन आसाला तो देखे तेणु सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपोर्टेंट तुम जब प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू भितर क्वेश्चन पाइबा ही तुम पाइब निश्चित पाला गोटे क्वेश्चन निश्चित पाइब आ पॉवर्टी इनक्लूजन डेमोग्राफिक्स सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स ये भितर भी तुम क्वेश्चन पाच देन जब हम देखिया पिला माने हमरा पले आसला जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी ये भी क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़िया लगे एनवायरमेंट इकोलॉजी उपरे बायोडायवर्सिटी क्लाइमेट चेंज है ना ये सब गुड़ा आसो देखिए दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन तो मैंने जो पे आंसर करपर कि करंट रिलेटेड थिंग रही है बहुत सारा जिस ब्रॉडर कवरेज तो आम करा पड़े प्रीलिम मैंने आ जनरल साइंस देन जनरल साइंस जनरल साइंस भी तुम क्वेश्चन पाइब तेणु ये रही तुम कौन ना पेपर वन जोटा कि आमको जनरली यूँ आम कट ऑफ जो आम देखा कट ऑफ बाहर तो आंसर देखिए एवं तो देखिए देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन रही है ये कम कट ऑफ 60 to 70 भितर कट ऑफ जाए देखे कि मन रख मुझ भावुच्छे पे सब जानदे पैटर्न चेंज कला फास्ट चेंज करते तुम जानते हैं एवं तो ऑटोमेटिकली तुम जहाँ भी 80, 90, 80 to 90 टारगेट तुम कर 200 मार्क आमको 80 to 90 मार्क रखिले आम रही कौन ना मेन्स एग्जाम है मन रखते ये रहा जोटा कि आम कट ऑफ काउंट हम पेपर वन भल मन ये 200 मार्क रही 6टा क्वेश्चन आसे गोटे गोटे क्वेश्चन 2 मार्क ना रही ए नेगेटिव मार्किंग तुम 0.33 मानने 3-3 मैंने 1/3 मार्क कटो है 1/3 मार्क कटो तो यहाँ मन रखी था पेपर वन पेपर टू देखे यहाँ तुम क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली ओनली क्वालिफाइंग नेचर ये तुमको 33% मार्क रखिले तुम क्वालिफाई हो पेपर टू देख
कम्प्रिहेंशन है इंग्लीश इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल इंग्लीश पैटर्ड क्वेश्चन आसे लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन आसे मन रखें डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जनरल मेंटल एबिलिटी बेसिक न्यूमेरेसी नंबर्स एंड देयर रिलेशंस ऑर्डर्स मैग्नीट्यूड जो क्लास टेन्थ लेवल आसो ना तो बहुत इजी रहे मोर एक्सपीरियंस जो कहे तो इजिली तुम कर बेसिक तुम आइडिया अच्छी तुम कर डाटा इंटरप्रिटेशन चार्ट्स ग्राफ्स टेबल डाटा सफिशिएंसी ये भी क्लास टेन्थ लेवल आसो तेणु इजी रहा क्वालिफाई कर 33% मार्क आम दरकार जस्ट आम 200 मार्क 66 मार्क रखिले ये आम क्वालिफाई हो मन ओनली देन देखिले आम प्रिलिम पर है प्रिलिम पर कहली यू पाखा तुम्हें 12 टाइम्स है पिला सी नब कौन मेन्स एक्जाम को जितनी भी पोस्ट रही तरह 12 गुणा पिला नब जो मेन्स एक्जाम थी तो आर मेन जो क्रक्स कहला जी कह तो सब इंपोर्टेंट मेन्स एक्जाम है मेन्स जो मैंने भल करते जेनराली सिलेक्शन लिस्ट रुहत है मन रख तो मेन्स एक्जाम बहुत जरूरी है देख तो मेन्स एक्जाम पूर्व आउ गोटे तुम रही देख मेन्स एक्जाम द रिटन एक्जाम शाल बी कंप्राइज ऑफ टू पार्ट्स जिनकी पार्ट वन पार्ट टू ये कौन रहा दुईटा पार्ट रही है पार्ट वन आउ पार्ट टू तो पार्ट वन जेनराली ये आम क्वालिफाइंग इन नेचर आस बोले पार्ट वन जो मार्क गुड़ा तुम काउंट हेन कि मन रख ओडिशा रे अधिकांश पिला ये कटबे मुझे तीन थर कटे ये देखे मो एक्सपीरियंस तुम कहला तो पार्ट वन कहीं ना जिते तुम पढ़ा पढ़ापढ़ी कर समस्त कौन सीरीयस लगे मत कौन अच्छी मेन्स भल कर हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटिक्स पड़ो इंग्लीश ओडिया को तुम टे जैसे कह मोर पर आपने तो कह हाँ हिजो कौन अच्छे आम ओडिया पिला ओडिया भल हम इंग्लीश करदे कि असुविधा जेहतु क्वाफाइंग अच्छी रखीदेवी है देखे हाँ कितु एवं तुम्हें गोटे सुविधा कौन ये क्वाफाइंग पेपर कला एवं 25% देला आम बेलू असुविधा कौन थी ना सी केते परसेंट दे ना हाँ के परसेंट है सी 35% के नौला के 30% नौला है सी देखिए जितकी कटअप जितकी पिला दरकार अनुसार से काटि दूसरे है तो भलार मन रखे क्वाफाइंग पेपर बहुत जरूरी कहीं मुझे मार खाई तेणु तुम मन कौन तो क्वाफाइंग पेपर जमारू खाम खेल कर जो मैंने पढ़ाक चाहिए तो क्वाफाइंग पेपर पार्ट वन दुईटा पेपर रही है आम ओडिया लांगुएज आ पाला रही है इंग्लीश लांगुएज है आगे आम 300-300 मार्क मैं लिखुल कि 250-250 मार्क आस 250-250 मार्क आसो युवा मन रख तुम मेरीट काउंट हेन है तो फाइनाल मेरीट ये खाली क्वाफाइंग नेचर ये भी क्लीयर लिखीदी एवं 25% है तुम कहते ना 20% 25% मार्क रखिले तुम ये क्वाफाई हो जो मैंने बिलिव कर तुमको आर PDF भी देखे दिए गोटे मिनट देख है ये मुझे खोली रखी थी देख ये क्लीयर लिखाई देख ये इवाल्युएशन द पेपर मेनली एसे जनरल स्टडीज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट शैल बी डन साइमल्टेनियसली अलोंग विथ इवाल्युएशन ऑफ देयर क्वालिफाइंग पेपर्स इन ओडिया एंड इंग्लिश देख ना ओडिया एंड इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर पार्ट वन बोर्ड द पेपर्स ऑन एसे जनरल स्टडीज ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ ओनली सच कैंडिडेट शैल बी टेकन कॉग्निजेंस व्हिच ऑब्टेन 25% मार्क इन ओडिया एंड इंग्लिश देख ये गोटे मेन प्रॉब्लम कौन ना मुझे तुमको कहीं कौन यहाँ कहीं मुझे भोगीची है देखे तुम्हें जब पाने ये 25% लाखे मार्क रखुन इंग्लीश आ ओडिया जो क्वालिफाइंग पेपर है ये जो तुम 25% आमर तो आगुरी दे ना के मैंने बड़ी मैंने डिक्लेयर कर OPSC सी ता अनुसार देखिए कैसे पिला दरकार है तो तुमको कह कौन मोर गोटे थर एक मार्क रू कटे से पुणी अधिक 35% मार्क देते तेनाली कहीहबन है तेणु कितना बर्तन एवं क्लीयर है 25% मार्क तुम दरकार है 250-25% मार्क रखीदेव ओडिया और इंग्लीश में तो हो भाई इजी हे तथा आपको इजी भावनी भलार मन दे पढ़ 25% मार्क आम ओडिया और इंग्लीश भलार मन रख है तो 25% आम क्वाफाई हो ठीक अच्छे तो ये रहा आमर तो कौन कौन आसे ना आम देखिए यू कंप्रेशन ऑफ द गिवन पेसेज गोटे देखिए तरह कंप्रेशन पेसेज देखिए क्वेश्चन आंसर रखियो प्रेसी राइटिंग यूसेज एंड भोकाबुलरी आगे आम 80 मार्क रहा तुम यूसेज भोकाबुलरी आस हेल्ले आगे अधिक एम्फासीस दिखती आ अनुसार अगर गुड़ाक मार्क दिखाते भलार मन रख सर्ट एसे ट्रांसलेसन फ्रम इंग्लीश टू ओडिया लांगुएज एंड भाई वर्सा इंग्लीश टू ओडिया इंग्लीश पेपर टू इंग्लिश लांगुएज देखा आम ये रहा कौन कंप्रेसन अफ गिवेन पेसेज प्रेसी रईटिंग यूसेज एंड भोकाबुलरी आउ सर्ट एसे गोटे रही है तुम इंग्लीश बहुत तुम रोचे पे तेणु आपको भलार प्रिपेरेसन कर 25% मार्क रखिले कि कौन करना आम क्वाफाई होगा आगे जाए मन देन देखिए आम मेन जोटा जोटा कि आम मानने तुमको डिसाइड कर तुम रोच कि ना सरकारी बाबू बनी पार्च कि नहीं ये मेन है प्लान तुम यहाँ पेपर टू पेपर टू पेपर टू भी काउंटेड फर मेरीट है मेरीट प्लान ये काउंट हो काउंटेड फर मेरीट भलार मन रख यू एसे इंग्लीश एसे तो आई होप कि एथर दुईटा तुम इंग्लीश एसे दब हाँ 125-125 दुईटा इंग्लिश एसे रही है जो 250 मार्क रही है 250 मार्क आम से टाइम तो 300 मार्क थाए गोटे एसे दिए है गोटे एसे 300 मार्क रहे हैं तेणु कंपिटन किए के अधिक लिखो कि क्लीयर करते तुम कंटेन्ट रही है जिते मैंने जहाँ सी पचारे जिते कंटेन्ट को तुम रखे भल से भल फ्रेज वार्ड यूज कर तुम वार्ड इकोनोमी भल थे पे कौन भल मार्क पाइव दुईटा एसे तुम लिखा पड़ो 250 मार्क है देखिए ऐसे
पेपर टू जो देखा जेनेल जेनेल स्टडीज देख पेपर वन पेपर टू मैं पेपर वन पेपर टू आम कौ तो ये पेपर वन पेपर टू तो नर्माल देखे पेपर वन आम भाव देखे तो जीएस पेपर वन आम कौ जीएस जेनेल स्टडीज पेपर वन जो तुम जेनेली इंडियन हेरीटेज कल्चर ओडिशा हेरीटेज एंड कल्चर मन रखे यूपीएस रू ये चेंजेस आसो ये तुम ओडिशा हिस्ट्री एंड कल्चर टी अधिक इम्फासीस रही है देखे यूपीएस जिन तुम इंडियान हिस्ट्री एंड कल्चर अधिक तेणु ये इंडियान हिस्ट्री एंड कल्चर तो रही है सहित मैंने हिस्ट्री कल्चर हेरीटेज ये सब रही है तो सहित ओडिशा भी टी अधिक इम्फासीस पड़ो तेणु यह सब जानवाक पड़ो तुम हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी अफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी है ये सब कवर अप करा पड़ो पेपर वन जो तुम 250 मार्क रही है जीएस पेपर वन जीएस पेपर टू जो देखा पेपर टू तुम गवर्नांस कन्स्टिट्यूशन पॉलिटी सोशल जस्टिस एंड इंटरस्टेट रिलेशंस रही है ये भितर तुमको रही है जोड़ी की 250 मार्क क्वेश्चन आसो भले पेपर टू जो देखिए पेपर थ्री जब आम देखा जोटा कि हिसाब से पेपर फोर पेपर थ्री जनरल स्टडीज पेपर थ्री ये आम साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बायोडायवर्सिटी एनवायरमेंट सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट युवा भितर तुमको सब क्वेश्चन आसो ये 250 मार्क रहा जोटा आमको लिखा बहुत जरूरी है देन आम पेपर जीएस जेनेल स्टडीज पेपर फोर देखा एथिक्स इंटीग्रिटी आप्टीच्यूड है जो आगू पे ना एथर फर्स्ट टाइम एड कर एथिक्स इंटीग्रिटी आप्टीच्यूड बर्तमान देखे तुम्हें ओएस पढ़ाया पड़ो हाँ ये 250 मार्क रही है मन रख तेणु ये रहा तुम हजार 1250 मार्क जीएस पेपर चार्टार तुम हजार मार्क रहा एसए ये 250 तो 1250 मार्क पाला रही है 1250 मार्क रही है तो बर्तमान जो देखिए ये भितर तुम डिसाइडिंग फैक्टर जेहतु ये चेंजेस कर पैटर्न तुम एसए रही एथिक्स इंटीग्रिटी आप्टीच्यूड है ये ओब्वियसली कौन तुम डिसाइडिंग फैक्टर रही है कहीं अन्य गुड़ा तो तुम जेनेल सब पढ़ु तो एस ये टी डिसाइडिंग फैक्टर रही है भलार मन का सहित ये देखे आम 1250 पाइले देन तुम ऑप्शनल ऑप्शनल प्लान रही है पेपर वन आउ पेपर टू आगुरा आम चार्टा ऑप्शनल पेपर रोला मैंने दुईटा ऑप्शनल रही मन में जमीन ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस रखी थी मतलब पॉलिटिकल साइंस रो पेपर वन पेपर टू रोला ज्योग्राफी रो पेपर वन पेपर टू रोला कि तुम्हारे भी मन रख गोटे पेपर ऑप्शनल पेपर गोटे मैंने मुझे ज्योग्राफी ऑप्शनल रखिली मैंने मोर ऑप्शनल ज्योग्राफी रो पेपर वन ज्योग्राफी रो पेपर टू है फिजिकल ज्योग्राफी रही है ह्यूमन ज्योग्राफी अलग इंडियन ज्योग्राफी रही है यू अलग रही है ज्योग्राफी रहा गोटे ऑप्शनल किंतु ये ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर वन ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर टू कहे ज्योग्राफी गोटे ऑप्शनल तो गोटे ऑप्शनल तुम रख 500 मार्क रही है 250 दुईटा पेपर हम हाँ ये गोटे तो ये दुईटा नहीं गोटे ऑप्शनल सब्जेक्ट है गोटे ऑप्शनल सब्जेक्ट तुम जोटा भी चूज कर तुम पसंद अनुसार जे कि 500 मार्क रही है ये भी तुम बर्तमान डिसाइडिंग फैक्टर टोटाली ये 1250 ये 1750 मार्क पे कौन हम ना रिटर्न टेस्ट हम 1750 मार्क तो मन रख कौ पे रे को पिला रही ये डिसाइड कर ये 1750 मार्क है तेणु सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग सहित एग्जाम ओरिएंटेड जहाँकि क्वेश्चन बेस अच्छी कौन पचार वर्ल्ड इकोनोमी सहित आमको लिखा पड़ो वर्ल्ड लिमिट भितर भलार जी जितकी अधिक प्राक्ट कर देखा भले फास्ट रू तो नहीं प्रिले लेखा प्राक्ट न कले हम ना मन रख सुंदर सुंदर अक्षर सहित जिते अधिक तुम लिख कि जहाँ क्वेश्चन पचार क्वेश्चन ओरिएंटेड आंसर तुम दौ तुम कौन रहा तुम ये बेनिफिट रही है ये 1750 मार्क रू के मार्क रखुच है ये डिसाइड कर तुम रहा मन रख दे तुम पलैस कौन जो रही है इंटरव्यू है जो पर्सनाल टेस्ट कहले पीटी इंटरव्यू में 250 मार्क रही है 250 मार्क रही है यहाँ पर तो देखा ये बहुत वाइड वेरिएशन रोचे है देखे तेणु ये से तुम बॉडी लैंग्वेज तुम थॉट प्रोसेस है तुम नॉलेज नॉलेज तो सब ये टेस्ट हम है ये आउ एक्स्ट्रा पार्ट देखे तुम है जो बॉडी लैंग्वेज कौन रही है तुम थॉट प्रोसेस कौन रही है तुम गोटे सिविल सर्वेंट पर चुके कि नहीं ये से बॉडी डिसाइड कराए तेणु देखा जाए ये 250 मार्क रू जन को 70 मार्क मिला जन को 170 मार्क रहे तेणु ये भी तुम जिते मुझे कहे ना जो टाइम तुम ओएस स्टार्ट जो चाहो प्रिपेरेसन करने तुम एबुट गोटे ओएस मेन्टाली डेवलप कराया पड़ो तुम गोटे एबुट निजी गवर्नमेंट अफिसर भाविया पड़ो गए बालान्स आटीच्यूड मेन्टेन कराया पड़ो है आज जे गवर्नमेंट सर्वेंट तुम सब थर्ड प्रोसेस ये टाइप रहा जब जेकोसी काम कर गवर्नमेंट सर्वेंट अच्छी गवर्नमेंट मुझे कम करुँ गोटे पब्लिक अफिसर मुझे टाइप डिसीजन देवा दरकार मुझ कथबार्ता कौ टाइप रहा दरकार मोर चलचलन कौ टाइप रहा दरकार ये टाइप भावना रखा पड़े क्योंकि ये पूरा 250 मार्क आउ ये बहुत वेरिएशन कै तो मार्क देवा समय है ये भी गोटे डिसाइडिंग कर दिए कौ पे जो टॉप रैंकर होती आज देखा कम रैंक पाँच ये भितर भी डिसाइड कर तेणु ये रहा आम टोटाल देखे आम मैंने कौन 2000 मार्क जोटा कि आम फाइनाल मेरीट लिस्ट पे काउंट हम है तेणु आम हाथ में कंट्रोल देख ये जब आम कह इंटरव्यू मार्क तो आम हाथ में कंट्रोल ना तो आम हाथ रही है 1750 मार्क है तो 1750 मार्क रूल मन मिनिमम है बर्तमान देखिए 1750 मार्क एनी हाउ आम को एनी हाउ एनी हाउ जब आम 1100 मार्क एराउंड आम सिक्योर कर 1100-1200 मार्क भितर तो पॉसिबिलिटी रही है कि तुम रही पॉसिबिलिटी रही है रही तो 1100-1200 मार्क आम आने अच्छे तेणु
जितना पसबुल हम जो आम रेगुला लेखालेखी प्राक्ट करवा है मन रख आउ ये जो देखिए तुम कौन कौन सब सिलेबस रही जनरल स्टडी से पेपर वन जीएस पेपर वन इंडियन हेरीटेज कल्चर ओडिशा हेरीटेज कल्चर कौन कौन पढ़ है कौन कौन पढ़ कौन कौन टपिक ये भितर जो रही टपिक गुड़ा मुझे तुमको आउ गोटे भिडियो मध्यम देवी कहीं ये अधिक लेंथी हो भिड है देखिए लेंथी हो तेणु मुझे ये भिडियो मध्यम दौनी आउ गोटे भिडियो मध्यम है तुम डिटेल्स ये आम कौन कौन इंडियान हेरीटेज कल्चर कौन कौन पढ़ा ओडिशा हेरीटेज कल्चर कौन कौन पढ़ा है हिस्ट्री जियोग्राफी वर्ल्ड सोसाइटी कौन कौन टॉपिक रही है मुझे डिटेल तुमको आपरे आगे वीडियो लेकिन आसवि तेनाली जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना ये सब्सक्राइब कर दिव लाइक और शेयर करा जमार भूलानी तो ताल कौन ना जल्दी जल्दी पे सब शेयर कर दिव्य आम कौन करवा ना रेगुला आम सब बहुत सारा फ्री में तुमको पूरा आम कनसेप्ट वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर टॉपिक है सबूत तुम पूरा परफेक्ट आम गाइड तो बोर मन रख ये तुम कह बर्तमान न्यू एग्जाम पैटर्न तो आम देखिले प्रीलिम आमको 250-400 मार्क एग्जाम हम पेपर टू जो आम रही है केवल कौन ना क्वालिफाइंग नेचर रही है 33% मार्क रखे आम पाइबा पेपर वन आम प्रीलिम 200 मार्क आम काउंट आसो जो तुमको कहि आम एक्सपेक्टेशन नहीं जावा आम कटअफ 80-90 भितर जब रखुच्च तो पसबिलिटी रही है कि आम मेन्स एग्जाम लिखे देन मेन्स एग्जाम जो आसवा पूर्व मेन्स पूर्व आम रही है दुटा क्वाफाइंग पेपर गोटा ओडिया आ गए इंग्लीश ओडिया 250 मार्क इंग्लीश 250 मार्क यू आमको 25% मार्क रखार अच्छी है क्वाफाइंग करने आम आस मेन्स मेन पेपर जोटा कि मेरीट्रे आम काउंट हम मेरीट भितर आम 1750 आम लिखा 1750 लिखा जोटू आम आशा करा 1100-1200 मार्क सिक्योर करने आम कौन रही पारा ना इंटरव्यू रहा आउ फाइनाल लिस्ट भी रहा मन रख कहीं इंटरव्यू जो मार्क डिफरेसन आसो कि जब आम भल पढ़ी प्रिपेरेसन करते तो ओब्वियसली पाला कौन ना कौटे आम भल परफॉर्मेंस रही है मन तो ये रहा टोटाली 2000 मार्क एग्जाम हम जो मेरीट्रे काउंट हम आज 500 मार्क केवल क्वालिफाइंग रहा है देखे ये फाइनाल ये 2000 मार्क रु फाइनाल तुम कौन मेरी लिस्ट रही है मेरी लिस्ट आसला तुम सब कौन कौन मार्क रखो सब सिक्योर रही है ये डिसाइड कर तुम कौन एग्जाम हो मनक आउ आगामी वीडियो सब तुम आर सब गोटे गोटे नहीं डिटेल्स सिलेबस कौन कौन नहीं तुम आस प्रीलिम डिटेल्स कौन कौन पढ़ा मेन से कौन डिटेल्स पढ़ा मुझे सब आगे सब भिड तुम मैं नहीं आस तो आज ए रखुच्छे समस्त धन्यवाद आशा करीडियोटी भल लगे तो सांगसाथी सहित सेयार कर दिव्य जो मैंने लाइक करते लाइक कर दिव आम चैनल सब्सक्राइब कर दिव थैंक यू अल तापर आपण मानी आउ गोटे इनफर्मेसन रही देखु जेहेतु आम अलरेडी एवं गोटे पूरा फाउंडेशन बेच नहीं आसो ओपीएससी है ओएस जो भी एवं रही तार गोटे 21 फेब्रुआरी तुम स्टार्ट हो बेच जो मैंने एनरोल करने चाहू है तो आज ही एनरोल करनेब यहाँ अच्छी देख गोटे फ्री बुक किट सहित ये आम 7 बही तुमको जगे देव 7 बही जार प्राइस रोचे जार प्राइस रमर पाखापाखि बही गुड़ा प्राइस पाखापाखि 3000 टाँग रही है ये बेच प्राइस तुम जब Wi-Fi 95 कोड व्यवहार करुच Wi-Fi 95 कोड व्यवहार करुच ये बेच तुमको 4823 टकर मिले हाँ सही पुणी 3000 पाखापाखि बही तुम फ्री 7 बही पाई बोले हार्ड बुक गुड़ा तुम घर को पठे दिज्व आ बहुत टप रेटेड बुक्स है देखे तुम जानते अलरेडी स्टडी आई क्यू ना शुनी थो तो अलरेडी अल इंडिया लेवल तुम कौन आईएस कोचिंग भल तुम जान कि आडा हायर कर तो स्टडी आई क्यू बर्तमान पार्ट अफ R24/7 तेनाली से बही क्यू आम मोडिफिकेशन करी ओडिया कंटेंट जमी रही हेल्पफुल रही है सी टाइप रही सब बनी जो तुम बहुत बढ़िया गाइड कर तुम कहीं निजे सब बही गुड़ा देखी पढ़ी बढ़िया रही तुमको हेल्पफुल रहा है जो मैं चाहिए फ्री बुक किट सहित नहीं पार आ जो मैंने चाहिए जो ना केवल मुझे कम पैसा किनवाई चाहूँगी तो आम ओनली देख प्रीलिम बैच जो पेपर वन पेपर टू आम कवरअप करूँ ये ओनली तुम बही रही ओनली तुम सेम क्लास 450 घंटार क्लास आवर दिया हम पूरा बेसिक रू पढ़ा हम जिनको गोटे अंडरस्टाण से ये भी सेम टाइम स्टार्ट होते विथआउट बुक है ये विथआउट बुक तुमको अराउंड तुम समथिंग 2900 समथिंग अराउंड पड़ी है जो मैंने चाहिए यहाँ भी बेच को नहीं पार है मन ता सहित जो मैंने चाहूँ आमर टेस्ट सीरीज तुम देपर जो पाने आगे प्रिपेरेसन करुच ओपीएससी 2024 ओडिशा सिविल सर्विस प्रीलिम टेस्ट सीरीज 35+ टोटल टेस्ट रही है तुम पूरा अपडेटेड पैटर्न अनुसार जो तुम बहुत हेल्पफुल रही है टेस्ट सीरीज नहीं पार जो मैंने चाहिए बुक्स किनवाई देख यहाँ तुम 33 वर्ष पुराना सब अलग अलग स्टेट एग्जाम कौन कौन क्वेश्चन आसाला है बुक्स रही आपको भी तुम नहीं पार आ सब बही गुड़ा अच्छे तुम सिंगल सिंगल बही भी किणिक देखिपार को टाइप बही अच्छी को टाइप कंटेंट अच्छी तुम गोटे कन्फिडेंस आसो ये सब बही गुड़ा देख पूरा लेटेस्ट अपडेट देख पार्लियामेंट पूरा न्यू पार्लियामेंट है बिल्डिंग है सब अपडेट सब इनफर्मेशन जो मैंने चाहिए बही किणी पाने तुम पढ़ी जापर भले इकोनोमिक रहा हिस्ट्री ये जो बही गुड़ा देखिए ये सब बही गुड़ा तुम जो मैंने बुक किट रही है मन रख जो मैंने चाहो आडर कोर्स किनवाई दुईटा हुए गोटे तुम R24 ओडिया आप को डाउनलोड कर देखिए तुम्हें ये प्रोसेस फॉलो करके कोर्स किनि पारिबो किबा तुम चाहिए वेबसाइट मध्यम ये टाइप फॉलो करके कोर्स किनि पारिबो तो आज रखा थैंक यू फॉर वाचिंग जो मैं सेसन लाइक कर दिव सेयार करने कमेंट करने सब्सक्राइब करें जमार भूल धन्यवाद।